यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का होगा गठबंधन। कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने गठबंधन पर लगाई मुहर। यूपी में आज या कल में हो सकता है गठबंधन का ऐलान, अखिलेश ने घोषणा की। समाजवादी गठबंधन की कोशिश, कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार शीला दीक्षित का बड़ा बयान, बोले अखिलेश ही होंगे सीएम पद का चेहरा। शीला ने कहा गठबंधन होने पर मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को तैयार। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सोच समझ के और सब वो एविडेंसेस लेकर ही कहा होगा ना, तो इसका मतलब है दोस डायरीज आर नॉट सस्टेनेबल। देखेंगे राहुल जी ने जो बात कही है वो उस पर अटल है, क्योंकि उन्होंने पहले भी यही कहा था, तो उस पर अभी किसी को मालूम नहीं है। ये तो आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इसलिए मैं रिएक्ट कर रही हूँ। आज फिर मुलायम से मिलने पहुंचे शिवपाल, अंबिका चौधरी साथ, अगली रणनीति का अभी खुलासा नहीं। बीजेपी की आज होने वाली चुनाव समिति की बैठक टली, अब कल होगी बैठक। विधायक अमरपाल शर्मा ने कांग्रेस ज्वाइन की, कल बीजेपी ने कर दिया था बर्खास्त। यूपी चुनाव के लिए कल बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट, 149 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पहली सूची में कई दिग्गज, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मेरठ, श्रीकांत शर्मा को मथुरा से टिकट। 68 उम्मीदवारों की पहली सूची उत्तराखंड की भी जारी, कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में आई यशपाल आर्य के बेटे को मिला टिकट। ऋषिकेश में मोदी के कपड़ों पर तंज, राहुल ने दिखाया अपना फटा कुर्ता, कहा मोदी नहीं पहन सकते ऐसे कपड़े। मैं दिखाता हूँ, ये मेरा पॉकेट फटा हुआ है। सूत्रों के अनुसार सांपला ओम प्रकाश को फगवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों से थे नाराज। सांपला ने कहा ओम प्रकाश ने पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे केस कर किया था परेशान, फिर उम्मीदवारी के लिए कैसे हो रहा है उनके नाम पर विचार। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर ने ठोका 2/3 बहुमत का दावा, मौजूदा चुनाव को बताया अपना आखिरी चुनाव। कैप्टन ने बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात दोहराई, बोले लंबी से हराऊंगा बादल को। कांग्रेस के अनुसार 24 से 25 जनवरी के बाद पंजाब में हो सकती है राहुल की रैली, प्रियंका के प्रचार की खबरों को किया खारिज। सिद्धू की पत्नी ने कांग्रेस से जुड़ने का किया स्वागत, बोली पूरे पंजाब में खुशी की लहर, पंजाबियों का है पंजाब, माफियाओं का नहीं। लड़ाई पंजाब दी है, जताना पंजाब नू है, हर पंजाबी नू है, ते पंजाबियत नू है, आपसी भाईचारे नू है, एका करना है। आज से दिल्ली विधानसभा में दो दिनों के शीतकालीन सत्र का आगाज, केजरीवाल रहेंगे खैर मौजूद मोहाली में हैं। हार्दिक पटेल लौट रहे हैं उदयपुर, गुजरात साबरकांठा में करेंगे रैली, गुजरात से दूर रहने के लिए 6 महीने की मियाद हुई पूरी। उदयपुर टोल नाके पर हार्दिक के समर्थकों ने किया हंगामा, बाद में टोल भरकर हुए रवाना। तमिलनाडु में जयललिता की राजनीतिक विरासत के लिए छिड़े जंग, चेन्नई में सड़कों पर उतरे जयललिता की भतीजी दीपा के समर्थन और लगाया नारा। एमजी रामचंद्रन की 100वीं जयंती पर उमड़े समर्थक, चेन्नई में समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। वित्त मंत्री के पश्चिम बंगाल समिट में नहीं जाने के फैसले पर उठे सवाल, बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बजट की तैयारी का दिया हवाला। यूएई के राजदूत ने भारत से मजबूत संबंधों का दिया हवाला, क्राउन प्रिंस ने गणतंत्र दिवस पर भारत की इस बार मुख्य अतिथि। क्राउन प्रिंस के अनुसार अगले 10 सालों में यूएई भारत में $75 बिलियन का कर सकता है निवेश, दाऊद की संपत्ति पर शिकंजा कसने का दिया हवाला। बिहार में नक्सल प्रभावित इलाकों में सफल हो रही है किसान उत्पादक योजना, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने की है पहल।
योजना से सुधर रही है किसानों की आर्थिक स्थिति, भटके युवा हथियार डालकर मुख्य धारा में कर रहे हैं वापसी। अलगाववादियों की धमकियों के बाद दंगल स्टार जायरा ने मांगी माफी, महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद उन्हें बनाया जा रहा था निशाना। जायरा के समर्थन में आया आमिर खान, कहा जायरा मेरी भी रोल मॉडल। पहलवान गीता फोगाट ने कहा जायरा को डरने की जरूरत नहीं, उन्होंने फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया। अनुपम खेर ने जायरा को बताया रोल मॉडल, कहा आपकी चिट्ठी लिखकर माफी मांगना काफी दुखद। पहलवान योगेश्वर दत्त की धूमधाम से शादी, दहेज का विरोध करते हुए महज एक रुपए लिए खट्टर ने दी बधाई। आगरा में चेकिंग के दौरान एक कार से 1 करोड़ का कैश बरामद, संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। फिरोजाबाद में पुलिस ने कार से 45 लाख रुपए कैश पकड़ा, सभी 500 और 2000 के नए नोट एक गिरफ्तार। मिर्जापुर से भी गाड़ी से 44 लाख का कैश बरामद, बोरे में भरकर रखे हुए थे नोट। बदायूं में तलाशी के दौरान कार से 30 लाख रुपए कैश जब्त, 20 लाख रुपए के 2000 के नोट, 4 गिरफ्तार। आजमगढ़ में एक कार से 28 लाख 50 हजार बरामद, गाड़ी में मौजूद 2 गिरफ्तार। नरवाना में भाकड़ा नहर में गिरी बेकाबू कार, हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी, क्रेन से बाहर निकाला गया। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज, सीआरपीएफ की टीम खंगाल रही है जंगल। बुलडाणा के शिगांव में एक युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुसाइड नोट में लिखा मां मुझे माफ करना, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। महाराष्ट्र के सांगली में एक कार से 46 लाख 45 हजार रुपए बरामद, पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। अमरोहा में अवैध हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार, तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद। उन्नाव में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा, कई अर्ध निर्मित हथियार बरामद, 2 गिरफ्तार। फतेहपुर में भी बनाए जा रहे थे अवैध हथियार, 2 पिस्टल, 2 तमंचे और हथियार बनाने वाले औजार बरामद, 1 गिरफ्तार। अलीगढ़ में एक मां पर अपने 12 दिन के नवजात की गला दबाकर हत्या का आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। शाहजहांपुर में गन्ने के खेत से 6 महीने पहले अगवा हुए युवक का सर बरामद, 3 लोगों पर हत्या का आरोप। दिल्ली के उत्तम नगर में प्रॉपर्टी विवाद में डीलर और उसके भतीजे की जमकर पिटाई, हवाई फायरिंग कर भाग गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में आगे आश्रम से 6 साल के बच्चे से हैवानियत, 3 पर आरोप, 2 गिरफ्तार। दिल्ली के सुभाष नगर में बैटरी दुकान में चोरी, होंडा सिटी कार से आए 5 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के कल्याणपुरी में बहादुर लड़की ने 2 बदमाशों को सबक सिखाया, मोबाइल छीनने का किया विरोध, 1 को पकड़वाया। डेलबलस और एनएसजी ने रोहिणी के V3S मॉल में किया मॉक ड्रिल, आतंकवादी अलर्ट के मद्देनजर तैयारी का लिया जायजा। फिरोजाबाद में 16 साल की लड़की से रेप, 2 युवकों पर आरोप, 1 गिरफ्तार। मऊ जेल में प्रशासन ने की छापेमारी, छापे के दौरान 79,475 रुपए, चाकू, सिम कार्ड, हीटर, आपत्तिजनक सामग्री बरामद। फतेहपुर में बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर चीफ इंजीनियर की पिटाई, हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। रायबरेली में 13 जनवरी को हुई 2 हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, नकदी मोबाइल बरामद। हरदोई में गाड़ी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार, 1 कार और 1 स्कॉर्पियो बरामद। पंजाब के फजलका में तलाशी अभियान के दौरान कार से 19 लाख के नए नोट बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। बोकारो में छेड़खानी के आरोप में पंचायत ने युवक का सर मुंडवाया, चश्मदीदों का छेड़खानी से इनकार, केस की जांच शुरू। धनबाद अदालत परिसर में ठगी करने वाले एक आरोपी की जमकर पिटाई, पीड़ितों ने किया हमला, करोड़ों की ठगी का।
मोतिहारी में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोप है कि उस पर अपने पिता की हत्या के मुकदमे में सुलह करने का था दबाव। कुरुक्षेत्र में शाहबाद में 15 दिन के अंदर 3 मानव अंग मिलने से हड़कंप, शवों के टुकड़े तलाशने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। वाराणसी के सरकारी अस्पताल में रेप, आरोपी ने पीड़ित के गहने भी छीने, सीसीटीवी से पुलिस जांच की जुटी। यूपी के बलरामपुर में कबाड़ व्यापारी साइबर क्राइम का शिकार, बैंक खाते से 42,000 रुपए गायब, केस दर्ज। मध्य प्रदेश के सागर में महिला से दुष्कर्म और एमएमएस बनाने की वारदात, पीड़ित के ससुर के दोस्त पर आरोप। मुंबई में डिवाइडर से टकराने के बाद तेज रफ्तार बेकाबू कार पलटी, हादसे में कोई घायल नहीं। हाजीपुर में दलित छात्रा की मौत के विरोध में प्रदर्शन, सैकड़ों महिलाओं ने डीएम के दफ्तर पर की तालाबंदी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी, कहा भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो देंगे करारा जवाब। कुवैत में फंसे मुजफ्फरनगर के युवक ने सरकार से मांगी मदद, बेटी को देश वापस लाने के लिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। इलाहाबाद में डॉक्टर बंसल की हत्या के खिलाफ डॉक्टर्स मेडिकल छात्रों का कैंडल मार्च, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने 15 साल के मासूम को अपना निवाला बनाया, शव मिलने के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। अब ड्रोन से होगी लोह अयस्क खनन की निगरानी, नोवा मुंडी के टाटा के खदान में शुरू हुई इसकी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में 3 फीट तक बर्फबारी, नेशनल हाईवे जवाहर सुरंग बंद, कई गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। राजौरी में भी बर्फबारी से बदहाल जिंदगी, सफेद चादर से ढका पूरा इलाका, सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी, सबसे ज्यादा कुल्लू में 40 सेंटीमीटर स्नोफॉल, शिमला में करीब 20 सेंटीमीटर की बर्फबारी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बर्फबारी, औली समेत कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही है बर्फबारी। कल समय उत्तर भारत के कई शहरों में ठंड का कहर, राजधानी में कई जगहों पर अलाव और गर्म चाय का सहारा लेकर लोगों ने बिताई रात। दिल्ली में आज सुबह 6 डिग्री तापमान रहा, जबरदस्त ठंड रही। नोएडा समेत एनसीआर में बड़ी कड़ाके की सर्दी, फुटपाथ पर जिंदगी बसर हुई और मुश्किल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शीतलहर जारी, कई दिनों से सूरज के नहीं हुए यहां दर्शन। न्यू ईयर के अवसर पर इस्तांबुल के नाइट क्लब में हमला करने वाला शख्स पकड़ा गया, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। पेरू के लीमा में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा, पहाड़ से मिट्टी खिसकने की तस्वीरें कैमरे में कैद। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे पर राष्ट्रपति ओबामा ने दिखाए पेंटिंग में हाथ, बच्चों संग जमकर की मस्ती। मेक्सिको के म्यूजियम फेस्टिवल के दौरान शूटिंग में 5 की मौत, 15 जख्मी, हमलावर की तलाश जारी। फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड क्रिटिक मिलने के बाद शाहिद उत्साहित, अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर। शाहिद ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी मीरा राजपूत के साथ एक वीडियो भी शेयर किया, कैप्शन में लिखा मैरिड टू द फोन। करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी एन अनस्यूटेबल बॉय का मुंबई में किया विमोचन, पूनम सक्सेना ने लिखी किताब। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड की पहली कॉपी तिरुपति के दरबार में चढ़ाई, ट्वीट कर शेयर की खुशी।